आपका क्वारंटीन, कभी मत जाना मॉस्को और चीन। Hey guys, तो पिछले दो व्लॉग से जो बारिश की बातें चल रही थी कि आ जाए जल्दी आ जाए, सो आज सुबह बारिश हो गई। बारिश नहीं हुई, स्प्रिंकल हुआ, ज़्यादा बारिश नहीं बोल सकते इसको। सो इसको एक साइन बोल सकते हैं कि बारिश जल्दी आने वाली है, पर अभी जैसे आप देख रहे हो फिर से धूप निकल चुकी है, वेट करेंगे बारिश का और क्या। सो ये जो गिटार आप देख रहे हो ये मेरे भाई ने लिया था सीखने के लिए, ये इसने लिया था सीखने के लिए, फिर एक दो महीना ऐसा कुछ टाइम पास किया, इसने लिया था एक दो महीना टाइम पास किया, फिर उसके बाद आज निकला है वो, कम से कम एक डेढ़ साल बाद, वो भी कंटेंट की खोज में था मैं इसलिए, वरना ये पड़े रहता था ऊपर। सो मैंने 15th या 16th व्लॉग में क्लिप डाली थी, देख लो वो क्लिप। सो वो क्लिप को देखने के बाद बहुत लोगों ने मैसेज किया था कि ये जो टीवी है ये स्मार्ट टीवी नहीं है, फिर भी इसमें यूट्यूब चल रहा है कैसे। का रीज़न है अमेजोन फायर टीवी स्टिक। सो मुंबई कर निखिल, फ्लाइंग बीस्ट, बेरोजनामा, डीजे व्लॉग्स, ये सब बड़े बड़े जो चैनल्स हैं इनका जो इनको टीवी पे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जब भी मैं बोलूँ कि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था तो मुझे किसी ने नहीं पूछा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसलिए दिखा रहा हूँ। माय स्क्रीन प्ले, माय डायलॉग्स। सो इंस्टाग्राम पे अभी एंड न्यू ने एक IGTV वीडियो डाला है टॉकिंग अबाउट चाइनाज डेड डिप्लोमेसी। सो वो वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। तो वो वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मेड इन चाइना वाली चीज़ों को बॉयकॉट करना कितना ज़रूरी है। सो व्हाट वी कैन डू इज़ ऐप्स अनइंस्टॉल कर दो अपने फ़ोन में जो भी चाइनीज ऐप्स है, और दूसरी चीज़ ये है कि आगे से आप जो भी सामान खरीदोगे चेक करो कि वो मेड इन चाइना ना हो, यही उस वीडियो में भी बताया, देखो आपको पूरा समझेगा। सो मैं अपने YouTube चैनल के स्टैटिस्टिक्स देख रहा था अभी, सो अकॉर्डिंग टू देम 50% ऑफ द लोग जो वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो ऐसे कैसे चलेगा यार, सब्सक्राइब फ्री है यार, कर दो सब्सक्राइब कर दो गाइस, फटाफट लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब की बात तो हो चुकी है। तो आने वाला व्लॉग है वो बहुत ज़रूरी है, उसमें आप में से बहुत लोग ने जो चाहा वो होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। तब तक आप में से अगर किसी ने बेताल वेब सीरीज अगर देखी है तो बताओ मुझे देखनी चाहिए या नहीं, रेट करो आउट ऑफ 10।